जय श्री राम मेलो, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एक नए टाइटल की तरफ जिसका नाम है गिल्ड टाइटल बैच। आप लोगों ने वेपन ग्लोरी के बैच तो देखे होंगे, बट जो गिल्ड वॉर का बैच है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग दिखता है, बहुत ही ज्यादा ऑसम दिखता है कंपेयर करें हमारे वेपन ग्लोरी टाइटल से। बट आपको ये सब कैसे मिलेगा, क्या आपको इसके बारे में जानकारी है? चलिए मैं आपको ज्यादा समय ना लेते हुए आपको सारी जानकारी देता हूँ। बस छोटी सी इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है और लाइक करके एक छोटा सा कमेंट कर देना है। गिल्ड वॉर जिसको बहुत सारे बंदे इंटरेस्ट लेके खेलते हैं, बट कुछ बंदे इसको खेलना पसंद नहीं करते। क्यों है? देखिए गिल्ड वॉर जो हमारा है वो हमारे फुल मैप में होता है और ये सिर्फ 4 आवर के लिए एक्टिव होता है। काफी बंदों को इसके बारे में जानकारी भी नहीं होगी। आप यहाँ पे इसका टाइम लिमिट देख सकते हो, ये सिर्फ सैटरडे को ओपन होता है 6:30 से 10 बजे के बीच ओपन होता है। इसी बीच आपको इसको अपने स्क्वाड के साथ खेलना पड़ता है। तो इस गिल्ड वॉर को खेलने के लिए जरूरी है कि आप अपने गिल्ड मेट के साथ ही खेलो। अगर आप गिल्ड मेट के साथ नहीं खेलोगे तो आप ये पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। ये तो हो गई हमारी पार्टिसिपेट और टाइम की बात। अब लेकिन अब बात करते हैं हमारे की भाई इसका जो हम किल करते हैं या फिर जो हमारी बुया आती है, जो हमारी पोजीशन आती है, भाई पॉइंट्स टेबल कैसे मिलता है इसका? क्योंकि जहां भी आप देखोगे जिसमें पॉइंट्स टेबल कहीं भी नहीं दिया गया है और बंदों को जो पॉइंट क्रेडिट होता है बंदे समझ नहीं पाते कि भाई उनको किल करना है या फिर बुया करना है। आप भी इसी तरह अगर कंफ्यूज होगा जो आप भी खेलते हो तो देखो मैं बहुत देर एनालिसिस किया और उसके बाद मैंने फाइनली एक रिजल्ट निकाला है जो कि पूरा परफेक्ट मैच करता है। आप भी अपने हिस्ट्री पे जाना और इसको मैच करना कि ये मेरा परफेक्ट है कि नहीं है कमेंट करके बता देना। तो देखिए जो आप किल करते हो तो आपके किल के पॉइंट मिलते हैं वो आपको 4 पॉइंट मिलते हैं, मतलब आप अगर जो एक किल करोगे तो आपको उसे 4 पॉइंट मिलेंगे और अगर जो आप बुया करते हो तो उसके आपको 12 पॉइंट मिलने वाले हैं और अगर जो आप टॉप सेकंड आते हो तो आपको उसके 10 पॉइंट एंड टॉप थर्ड के आपको 8 पॉइंट मिलते हैं। इसी के साथ साथ ऐसे आप सीक्वेंस लेके चलोगे तो टॉप 10 को 1 पॉइंट मिलते हैं और ये जो पूरा आप चार्ट देख सकते हो कि यहाँ पे क्या होता है और 11 एंड 12th नंबर को एक भी पॉइंट नहीं मिलता है। अब देखो हमारा 3 फेस में होता है, तीनों फेस जब आप पार कर लेते हो तो फर्स्ट फेस में तो आपको पहला जो मैच रहता है एकदम सिंपल रहता है, बट सेकंड मैच से आप में हार्ड बंदे आने लगते हैं। उसके बाद हमारा ये जो कैलकुलेशन पे चला जाता है, कैलकुलेशन के बाद देखो आपको फाइनल रिजल्ट पता चल जाता है। साथ साथ बात करते हैं कि भाई इससे मिलने क्या वाला है, हम इसे क्यों खेले। देखो सबसे पहले तो आप इसे अपने स्टेट का जो है तो भाई बैच मिलता है जो कि बहुत ज्यादा यूनिक दिखता है। दूसरी चीज की टॉप 15 गिल्ड को मिलने वाला है वी बैच। जी आप सभी ने सही सुना, बट आपकी आईडी पे नहीं मिलेगा, ये मिलेगा आपके गिल्ड का वी बैच रहने वाला है। और ये कब मिलेगा तो ये देखो आपको अभी नहीं मिलेगा, आपको पूरे सीजन जब तक ये रहेगा और इसका सीजन रहेगा जनवरी तक, तो देखो पूरा सीजन आपको इसमें रहना पड़ेगा टॉप 15 पे। आप एग्जांपल लेके चलो, आपने कभी ना कभी सीएसआर में ग्रैंड मास्टर लगाया हो तो उसमें क्या होता है कि आपको पूरे सीजन तक ग्रैंड मास्टर तक रुकना पड़ता है, तभी जाके आपको नेक्स्ट सीजन अवतार एंड बैनर मिलता है। सेम ये चीज यहाँ पे अप्लाई होने वाली है, आपको लास्ट सीजन तक टॉप 15 पे बनाए रखना पड़ेगा तभी जाके आपको वीबैच मिलेगा। अगर जो मान लो कि आप यहाँ पे आज टॉप 15 में हो बट जनवरी में जब ये खत्म होने वाला है उसके 2-3 दिन पहले आप टॉप 16, 17, 18 में चले गए तो आपको वीबैच नहीं मिलेगा। ये बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है क्योंकि भाई आपको टॉप 15 बनाए रखना पड़ेगा अपनी पोजीशन को। देखो एक और चीज यहाँ पे बहुत ज्यादा मेन है कि आप जब इसे सैटरडे को खेलोगे तो संडे को इसका कैलकुलेशन होगा, जो भी आपका बैच मिलेगा तो आप उसे यहाँ पे जाके क्लेम कर सकते हो और अपनी आईडी पे इक्विप कर सकते हो, ठीक है। उसके लिए आपको जो भी आप करंट बैच लगाए हो उसे हटाना पड़ेगा और इस वाले बैच को यहाँ पे डिस्प्ले करना पड़ेगा। तो गाइस अगर कुछ भी यहाँ पे छूट गया है मेरी तरफ से तो यार कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसे कवर करने की जरूर कोशिश करूंगा। मिलते हैं अपने नए वीडियो में।